इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा इतना अच्छा होता है बट इट वाज हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ केरला ट्रिप। सो अभी हम लोग यहाँ मुन्नार से चेकआउट कर रहे हैं एंड हम लोग जा रहे हैं ठेकरी। ठेकरी करीबन 4 घंटे का रास्ता है यहाँ से। सो बहुत ही लॉन्ग जर्नी रहने वाली है अभी कैब में। एंड ये ब्यूटीफुल से व्यू को गुड बाय करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन इससे भी अच्छा व्यू अभी हमारा वेट कर रहा है। सो चलिए चलते हैं ठेकरी की ओर। तो ठेकरी पहुंचते ही हमने स्टार्ट कर दी हमारी एडवेंचर जर्नी। यहाँ पर करने के लिए ढेर सारे एक्टिविटीज थी, जैसे कि एलिफेंट राइड, जंगल सफारी, एलिफेंट बात जैसी कई और एक्टिविटी। और ये सारे एक्टिविटी आप इंजॉय कर सकते हैं कल्लारी सेंटर पे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं आयुर्वेदा शॉप पे। ये एक ऑर्गेनिक आयुर्वेदा शॉप है जहाँ पर ओरिजिनल आयुर्वेदा उगाई जाती है, उनसे मेडिसिन बनाई जाती है। सो ये ऑन द वे ठेकरी के रास्ते में ही है। एंड हमारे जो गाइड है, हमारे कैब ड्राइवर, उन्होंने बोला कि आपको यहाँ से ज़रूर से एक बार विज़िट करनी चाहिए। तो लेट्स डू विज़िट एंड देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको मेडिसिन एंड औषधियाँ मिलती है। अभी हम लोग है एक आयुर्वेदा फार्म में जो UDC अप्रूव्ड है। UDC मतलब जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। वैसे इन्होंने बताया कि केरला में बहुत सारे फेक फार्म हैं जो आपको मिलावट वाली दवाई या औषधि दे देंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट अप्रूव है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्लांट्स यहाँ पर है एंड क्या क्या चीज़ें हम इनके पास से ले सकते हैं या क्या क्या डिजीज़ आप क्योर कर सकते हैं इनकी दवाइयों से। कोई ये इलायची का प्लांट है उधर उधर, ये देखो ये इलायची है। इलायची का प्लांट टॉल है, इलायची ग्राउंड में हो जाते, अभी सीजन चालू नहीं हुआ। थायराइड के लिए मेडिसिन बनाते हैं। दिस प्लांट है, दिस इज करीनुची। करी मीन्स ब्लैक है, करीनुची हेयर ऑयल का स्पेशल हो जाते हैं। सो हमने हमारी एक्टिविटी की शुरुआत की एलिफेंट राइड से। सो एलिफेंट राइड कंप्लीट करने के बाद हम निकल चुके थे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के लिए। यहाँ पर आपको बस से ही जाना पड़ेगा एंड ये एक पूरा रिजर्व एरिया है फॉर फॉरेस्ट। यहाँ की एंट्री टिकट थी 45 रुपीज। सो यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम फिर से आ गए कल्लारी सेंटर पे, क्योंकि अब हम देखने वाले थे केरला का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कथकली। यहाँ की एंट्री फीस है 200 रुपीज पर पर्सन। नमस्ते, हाँ जी, वेलकम टू द यूनिक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कथकली। कथा मींस स्टोरी, कली मींस प्ले और डांस, कथकली मींस स्टोरी प्ले। कथकली इज ट्रेडिशनल तमिल डांस ऑफ केरला। Thank you.
सो जस्ट हम लोग कथकली देख के बाहर निकले. फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ साउथ इंडियन का डांस परफॉर्मेंस देखा, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा. सजी कैसा लगा? पहली बार देखा और इट वाज गुड. मतलब इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा इतना अच्छा होता है, बट इट वाज रियली फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल. मतलब हमारा तो गुस्से वाला एक्सप्रेशन. यस, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट था वो मतलब देखने लायक है. सो अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट जो है मार्शल आर्ट नहीं है, कला रिपट्टू है. वो काइंड ऑफ युद्ध कला जैसे होता है वैसे ही है. सो ये है एंड इसका भी प्राइस है 200 rupees पर पर्सन. Thank you.
So guys, we are finally back to our hotel. So आज जो हमारा स्टे है वो है थेकरी में वुड नोट होटल में, और ये 4-star प्रॉपर्टी है. रूम एकदम डिसेंट सा है, छोटा सा है जैसा कि आप देख पा रहे हो वैसा. एंड आज हमने बहुत सारा मतलब एडवेंचर किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले कि हम लोग जैसे ही निकले एलिफेंट राइड से हम लोग गए जंगल सफारी. वहाँ पर हमने जो टाइगर रिजर्व एरिया है वहाँ पर थोड़ा टाइम बिताया. देन उसके बाद हम लोग इनका जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उनको एक्सप्लोर किया. सो बैक टू बैक सारा रूटीन आज चलता रहा. एंड व्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो अभी मैं थोड़ा व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो ये था day 3 केरला में थेकरी में. एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड अगर कुछ भी डाउट है या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. एंड कल हम निकलेंगे हमारे day 4 नए प्लेस की ओर, जो कि है बोट हाउस. तो कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट.